चलिए आज एक इम्पोर्टेंट सवाल लेते हैं। सवाल है ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ये ग्रहण का लगना, इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य है या ये केवल अंधविश्वास है? देखिए, ग्रहण तो लगता है और इसकी कुछ पौराणिक मान्यताएं भी हैं, लेकिन उन मान्यताओं की पूरी समझ ना होने के कारण आज वो सभी बातें अंधविश्वास सी लगती हैं, क्योंकि पहले के व्यक्ति उस ज्योतिष की भाषा को समझा करते थे, उनके पास इसका पूरा विज्ञान था। परंतु आज भाषाओं में कुछ बदलाव हो चुके हैं, धीरे धीरे चीजें पुरानी होती चली गईं और उनकी समझ भी कम होती चली गई, और आज जो हमारे हाथ में लगा है, जो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसकी समझ हमें हो नहीं पाती, इसलिए बहुत सी प्राचीन बातें आज हमें अंधविश्वास लगती हैं। तो चलिए आज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसको समझने के लिए थोड़ा वैज्ञानिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये ग्रहण का लगना आपके जीवन को प्रभावित करता है? देखिए, हमारा सोलर सिस्टम बहुत लंबे समय से अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो इनकी दूरी, इनके घूमने की स्पीड, इनका एक्सेस, सब कुछ बिल्कुल सटीक तरीके से चल रहा है। और हमारे सोलर सिस्टम का इतने सटीक तरीके से चलना, यही कारण बनता है पृथ्वी पर जीवन होने का, हमारे और आपके जीवित होने का। हम सभी जीवों को जीवित रहने के लिए हमारी किस प्रकार की रचना होनी चाहिए थी, हमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी, वो सब कुछ हमारे सोलर सिस्टम की वजह से हमें मिला है। तो जब लंबे समय से एक प्रक्रिया चलती रहती है, उसी के हिसाब से हमारा जीवन तय हो जाता है। सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है तो वह गर्मी हमें महसूस होती है, तेज धूप लगती है, और जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के जिन हिस्सों पर नहीं आती, वो इससे ठंडे हो जाते हैं। तो हमारे सूर्य का असर हम सबके जीवन पर पड़ता है, और यही जीवन का मूल कारण भी बनता है। हमारे सोलर सिस्टम का ये सूर्य एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। हर एक प्लेनेट का अपना गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण एक शक्ति है, एक प्रकार की ऊर्जा। बड़े ग्रह मिलकर छोटे ग्रह को ऊर्जा देते हैं, या कहूँ समस्त ब्रह्मांड एक दूसरे से बंधा हुआ है। तो सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब हमें अधिक गर्मी लगती है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारी फीलिंग्स बदलती हैं। पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी से पूरा दिखाई देता है, उसका प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। असल में ये ग्रह का प्रभाव नहीं होता, इन ग्रहों की यानी इन प्लैनेट्स की जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का प्रभाव सबके जीवन पर पड़ता है और सभी जीवों पर पड़ता है। तो जब सिस्टम लंबे समय से बिल्कुल सटीक तरीके से काम कर रहा है, और तभी अचानक से उस समय जिस समय पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, अब उस प्रकाश को चंद्रमा ने ढक लिया है, वह सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं आने दे रहा, तो हमारे सिस्टम में अचानक से कुछ अप्राकृतिक चेंज हो जाता है, जिसका असर हमारी पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। यानी दिन के उस समय जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर होना चाहिए था, अब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया है, यानी चंद्रमा ने सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने से रोक लिया और अपनी एक छाया बना ली। अब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ रही है, तो उस समय सूर्य से मिलने वाले प्रकाश से आपके जीवन में जो प्रभाव होने चाहिए थे, अब वो नहीं हो रहे। अब पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर चंद्रमा की छाया है, तो चंद्रमा की ऊर्जा पृथ्वी पर मौजूद जीवन पर प्रभाव डालती है, जिससे आपकी बुद्धि में भी कुछ बदलाव होते हैं। तो जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब पूर्णिमा के दिन जब चांद पूरा दिखाई देता है और वो चांद दूसरे ग्रह के कारण कट जाए, उस ग्रह की वजह से चंद्रमा हमें पृथ्वी से पूरा ना दिखाई दे, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। हमारे सौर मंडल की एक छोटी से छोटी घटना पृथ्वी पर मौजूद पूरे जीवन को प्रभावित करती है, हमारी मानसिक अवस्था को प्रभावित करती है, मन बुद्धि को बदलती है। हम सबका एकदम से अग्रेसिव हो जाना, पृथ्वी पर अचानक से युद्ध बढ़ने लगना, या कोई अनजानी बीमारी का आ जाना, ये सभी खेल सौर मंडल में हो रहे बहुत छोटे से बदलाव से हो जाते हैं। हम सबका यह शरीर पदार्थी तो है, एक विशेष प्रकार का मटेरियल, और इस मटेरियल को सौर मंडल के सभी प्लैनेट्स इफेक्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक ग्रहण पड़ता है, तब तक हमें कोई चीज खानी नहीं चाहिए, बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सभी लोगों के लिए कुछ सावधानियां होती हैं, मतलब जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उन पर जिस समय सूर्य की रोशनी होनी चाहिए थी, उस समय उन पर वह सूर्य की रोशनी नहीं थी। यानी उस खाद्य पदार्थ को उस निश्चित समय के लिए जो सूर्य की ऊर्जा मिलनी चाहिए थी, अब वो नहीं मिली। अब वहाँ चंद्रमा की छाया पड़ रही है, तो उस खाद्य पदार्थ में जैसे फल सब्जियाँ, ये भी प्रभावित हो जाती हैं। आपके घर में बना हुआ भोजन, उसे भी दूषित माना जाता है।
तभी कहते हैं सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय आपको फल नहीं काटने चाहिए, सब्जियां नहीं काटनी चाहिए और भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के उस समय पृथ्वी पर मौजूद पूरा जीवन प्रभावित हो रहा है। उस समय हमें केवल शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर उस समय आपसे कोई भारी गलती होती है, जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ अलग नियम बनाए गए हैं, तो उस गलती का प्रभाव आपको पूरा जीवन भोगना पड़ता है। तो यहाँ हिंदू धर्म के वैदिक शास्त्रों में अंधविश्वास जैसा कुछ नहीं था, वो एक गहरा विज्ञान था। उस विज्ञान की प्रमाणिकता के लिए हमें उसे दोबारा खोजना होगा, उसकी तह तक जाना होगा, न कि आंख बंद करके यूं ही विश्वास कर लेना होगा।